आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सैंधव सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस प्राचीन सभ्यता की खुदाई में हमें बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं, जो हमें इस महान सभ्यता के समाज, रहन-सहन, वेशभूषा और उनकी अद्भुत नगर योजना के बारे में विस्तार से बताती हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। सैंधव समाज एक स्पष्ट सामाजिक विभाजन वाला समाज था। यहाँ उच्च वर्ग में पुजारी, ज्योतिषी और चिकित्सक जैसे लोग आते थे, जबकि निम्न वर्ग में किसान, कुम्हार, मछुआरे आदि शामिल थे। खुदाई से मिले विशाल दुर्ग इस बात के प्रमाण हैं कि उस समय एक संगठित राजनीतिक व्यवस्था भी थी। सैंधव सभ्यता की नगर योजना और भवन निर्माण अत्यधिक उन्नत था। सड़कों के दोनों किनारों पर बने मकान पक्की ईंटों से निर्मित होते थे। मिस्र और मेसोपोटामिया की तुलना में सैंधव लोग पकाई हुई ईंटों का उपयोग बड़े पैमाने पर करते थे। उनके घरों में 2 से 3 मंजिले तक होते थे और दीवारें इतनी मोटी होती थी कि कई मंजिले मकान बनने का अनुमान लगाया जा सकता है। उनके घरों की खास बात ये थी कि खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर न होकर सहायक गलियों की तरफ खुलते थे। ऊंचे वर्ग के लोग बड़े मकानों में रहते थे, जिनमें आंगन, कुएं, स्नानागार जैसी सुविधाएं होती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले विशाल स्नानागार और अन्न भंडार गृहों से पता चलता है कि यह समाज जल निकासी और खाद्यान्न संग्रहण की भी उन्नत व्यवस्था रखता था। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार इस सभ्यता की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को भी दर्शाता है। सैंधव समाज में परिवार ही समाज की मूल इकाई थी और यह माना जाता है कि यह मातृसत्तात्मक था। यहाँ नारी का स्थान बेहद सम्मानित था और उसे परिवार की मुखिया माना जाता था। सैंधव सभ्यता के लोग ऊनी और सूती वस्त्र पहनते थे। एक प्रसिद्ध मूर्ति में एक पुरुष शॉल ओढ़े हुए है, जो उनके परिधान की शैली को दर्शाती है। आभूषणों के मामले में भी वे पीछे नहीं थे। खुदाई में कंठहार, कंगन, बाजूबंद आदि मिले हैं, जो दिखाते हैं कि सैंधव लोग आभूषणों के बेहद शौकीन थे। सैंधव सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके खानपान में अनाज, दूध, मांस और मछली का प्रमुख स्थान था। मदिरापान भी उनके जीवन का हिस्सा था। मनोरंजन के लिए शिकार, मछली पकड़ना, मुर्गों की लड़ाई और शतरंज जैसे खेल खेले जाते थे। इस सभ्यता के लोग बैलगाड़ी और नाव का इस्तेमाल यातायात और व्यापार के लिए करते थे। खुदाई में इक्के जैसी छोटी गाड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। सैंधव सभ्यता, जो लगभग 5000 साल पहले अपने चरम पर थी, एक अत्यधिक विकसित और समृद्ध सभ्यता थी। चाहे वह उनकी नगर योजना हो, सामाजिक संरचना हो या फिर उनकी कला और संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता आज भी हमें प्रेरणा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।